नमस्कार, आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। मैं मोहित दुबे आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या, गुरुद्वारे में बाइक सवार हमलावरों ने बरसाई गोलियां, गठित की गई SIT। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने का सिलसिला जारी। नवीन जिंदल की मां और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने छोड़ी कांग्रेस। उन्होंने सोशल मीडिया पर बुधवार को देर शाम दी इसकी जानकारी। MDM के सांसद का दिल का दौरा पड़ने से निधन, टिकट न मिलने पर जहर खाकर की थी आत्महत्या की कोशिश। गणेश मूर्ति ने पहले अपने जहर खाने की बात किसी को नहीं बताई, हालांकि परेशानी और उल्टी की शिकायत होने के बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली में देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश, बसंत कुंज के फ्लैट में चल रहा था गंदा काम, ऑनलाइन पैसा लेता था MBA पास आरोपी। CM भगवंत मान के घर गूंजी किलकारी, बेटी ने लिया जन्म, CM भगवंत मान ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। अब सुनीता केजरीवाल के रिश्तेदारों के यहाँ हुई ED की रेड। सुनीता केजरीवाल के रिश्तेदार SP गुप्ता के घर 26 मार्च को सुबह 8 बजे से 27 मार्च शाम 6 बजे तक ED ने की रेड। ED ने फेमा के एक पुराने मामले में SP गुप्ता के घर पर रेड को दिया अंजाम। अडानी ग्रुप का पहला तांबा प्लांट आज से हुआ शुरू, 10 लाख टन क्षमता का प्लांट लगा रही कंपनी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि इस प्लांट की शुरुआत के साथ अडानी ग्रुप न सिर्फ धातु क्षेत्र में कर रहा प्रवेश, बल्कि भारत को एक स्थायी और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर लेके जा रहा है। मेरठ से आज नए प्रत्याशी का नाम ऐलान कर सकती है समाजवादी पार्टी, अभी भानु प्रताप है उम्मीदवार। 30 साल की मेहनत के बाद BJP से मिला टिकट तो भावुक हुए भूपति राजू, चुनाव चिन्ह को किया दंडवत प्रणाम। रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन, 31 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली, महागठबंधन के नेता भी होंगे शामिल। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर ED की कार्यवाही, दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के विरोध में रैली का आयोजन किया जा रहा है।